हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है थर्सडे, तो यहाँ पे हमारा है फास्ट, क्योंकि मैं करती हूँ व्रत। तो बस यहाँ पे जस्ट पूजा हमारी ख़त्म हुई, और ख़त्म करने के बाद मैं सोची पहले कुछ खा लूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा खीरा काटे, बिल्कुल फ्रेश था एकदम, बट बिना सॉल्ट का ना अच्छा नहीं लगता है खाने में, बट खाना पड़ेगा। उसके बाद आज मैं बनाऊंगी, थर्सडे है, कढ़ी। सभी की फरमाइश हुई है कि बेसन और दही वाली कढ़ी खाना है। और नॉर्मली हम जो कढ़ी बनाते हैं वो थर्सडे को ही ज़्यादातर बनाते हैं, बट मैं नहीं खा पाती हूँ। जब मुझे कभी मन करता है तब मैं अदर डे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं ले रही हूँ बेसन। ऐसे नॉर्मली जो मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, चने दाल को मैं पहले भिगो के रख देते हैं रात में, या फिर बनाने से 4-5 घंटा पहले। बट यहाँ पे अभी टाइम नहीं है, क्योंकि फरमाइश अचानक हुआ है, तो मैं यहाँ पे बेसन का बना रही हूँ। बेसन से भी बहुत टेस्टी बनता है, बट ना चने दाल का अगर आप भिगा के और उसे पीस के बनाओ तो उसका टेस्ट इससे ज़्यादा डबल हो जाता है। बट कोई नहीं, तो सबसे पहले सारी चीज़ों को कर लेते हैं इकट्ठा, ताकि बनाने में हमें आसानी होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले कर लेते हैं तैयारी पकौड़ी का, क्योंकि हम जो कढ़ी बना रहे हैं उसमें डालेंगे पकौड़ी भी। तो यहाँ पे पकौड़ी का हम अलग जो घोल है वो तैयार कर लेते हैं, और साथ में निकाल लेते हैं दही। दही ना कढ़ी में जो यहाँ पे यूज होगा वो थोड़ा खट्टा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा दही क्या था कि हम रात में ही पहले निकाल कर रख दिए थे, तो यहाँ पे दही अभी गर्मी है तो खट्टा हो गया है। तो चलिए हम कर लेते हैं सबसे पहले पकौड़ी की तैयारी। तो यहाँ पे हम बेसन लिए हैं, और बेसन में हम डाले हैं सिंपल मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और पानी डालकर अच्छा सा एक रनी सा आप देख सकते हैं इस तरीके का घोल बना लेना है। बट हाँ, यहाँ पे छोटा सा एक टिप्स है, आप जो पकौड़ी बनाओगे ना, पकौड़ी के घोल का फेंटना बहुत ज़रूरी है। फेंटना ही मतलब सबसे बड़ा ये है। तो यहाँ पे 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे, और आप इतना फेंटोगे ना आपको खुद पता चल जाएगा, एक फ्लफी सा हो जाएगा। लास्ट में डाल दिए प्याज, और उसे रख दिए हैं अभी साइड में। इधर मुझे याद आया कि एक्चुअली हमारा जो ये ब्लैक पेपर होता है ना, काली मिर्च, ये पाउडर ख़त्म हो गया था। यहाँ पे कढ़ी में हम ये ज़रूर डालते हैं, तो ये ख़त्म हो गया, तो मैं सोची चलो थोड़ा पाउडर बना के हम अभी रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम जो काली मिर्च होता है वो, और उसमें जितना काली मिर्च लेते हैं उसका हाफ हम जीरा डालकर अच्छे से एक पाउडर बना लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली ना हम सब्जियों वगैरह में यूज करते हैं, इसलिए इस तरीके का हम पाउडर बनाकर इसका रख लिए हैं साइड में। तो ये सारी चीज़ें के प्रोसेस जो है ख़त्म हो गया। अब चलते हैं, बारी आती है इधर पकौड़ी बनाने का, ताकि वो भी 5 मिनट में अच्छे से सेट हो गया जो बेसन है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे सरसों तेल में, क्योंकि नॉर्मली हम सरसों तेल ही खाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तेल डालकर अच्छे से गर्म करना है, नहीं तो क्या होगा ना, तेल गर्म नहीं रहेगा तो बहुत झाग सा हो जाएगा, पकौड़ी ठीक नहीं बनेगा। तीन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम पर हमें तेज में एकदम धुआं सा आना चाहिए, उसके बाद फ्लेम को आप भले कम कर सकते हैं। यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया, और हम फटाफट छोटी छोटी पकौड़ी जो है वो बना ले रहे हैं। और यहाँ पे इसमें बहुत सारा बेसन लगा हुआ है, तो थोड़ी सी पानी डालकर हम साइड कर देते हैं, बाद में इसका यूज हो जाएगा। इधर पकौड़ी सारा फ्राई कर लेते हैं, तो फ्लेम को रखना है मीडियम, अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गया है। सारी पकौड़ी को निकाल कर हम एक पानी में, कटोरी में पानी ले लेंगे, उसमें डाल के रख देना है। इससे क्या होगा ना, पकौड़ी का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा, और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। अब बारी आती है मेन इधर तड़का लगाने का। तो इधर क्या हो रहा है, हम सरसों तेल डाले हैं, उसमें डाले हैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मोरी जो मस्टर्ड यूज होता है वो, मेथी दाना, उसके बाद यहाँ पे लंबा सा चीरा लगाकर 2 हरी मिर्ची डाले हैं, साथ में बहुत सारा लहसुन की कली जो बारीक कट करके रखे थे वो डाले हैं। उसके बाद डाले हैं यहाँ पे कड़ी पत्ता, ये जैसे ही थोड़ा सा चटक जाए, कलर चेंज हो जाए, उसके बाद डाल देंगे हम यहाँ पे भर के प्याज। प्याज हम यहाँ पे 2 प्याज काटे हैं एकदम बारीक सा, इसे डाल के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर जैसे ही चेंज हो जाए उसके बाद इसमें जो हम ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाला है। तो सबसे पहले इधर हम पहले दही को घोल लेते हैं। तो जिस मिक्सी में हम मसाला पीसे थे उसी में हम डाल दे रहे हैं दही। दही में मतलब साथ में हम डाल दे रहे हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि दही को आप चाहो तो ऐसे भी फेंट सकते हैं स्पून से, या फिर अपने हाथों से जैसे भी हो, बट यहाँ पे मिक्सी में चला देने से क्या होता है ना, दही में जो भी लम्स रहता है अच्छे से टूट जाता है, एकदम अच्छा सा मिल जाता है, रनी सा हो जाता है वो। तो यहाँ पे हम उसी में दही को पानी डाल के अच्छे से मिला लिए हैं, और यहाँ पे हम यूज जो कर रहे हैं सिंपल बेसिक मसाला है,
यहाँ पे डाले थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, बहुत थोड़ा सा डाले हैं, और मेन जो हम डाले ना ब्लैक पेपर, क्योंकि ना काली मिर्च और जीरा जो है ना उसका पाउडर वो हम ज़्यादा यूज किए हैं, वो डालने के बाद डाल दिए हैं हम जो हम दही और बेसन को मिलाकर रखे थे वो डाल दिए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टिप्स है, उसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब से ही आप दही को डालें उसके बाद आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या होगा ना, छोड़ देने से वो दही कभी कभी फटने का डर रहता है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक फ्लेम को तेज रख के चलाते रहना है, जब तक कि इसमें जैसे ही मतलब इस उबाल ना आ जाए, तो यहाँ पे हम तब तक चलाते रहें, और जैसे इसमें उबाल आ गया उसके बाद यहाँ पे हम डाल दिए गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद 1-2 मिनट तक और पकाने के बाद इसमें डाल दिए हैं पकौड़ी जो हम फ्राई करके रखे थे, और यहाँ पे सॉल्ट को ना सबसे लास्ट में यूज करना है, जब पूरा चीज़ हो जाए सारा प्रोसेस, तो यहाँ पे सॉल्ट को डाल के गैस को कर देना है बंद। अब बारी आती है थोड़ी सी धनिया पत्ता डालने का, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए करी में। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल रहे हैं, और कैसी लग रही है हमारी वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और देखिए बातों बातों में कढ़ी बन के रेडी हो गया है, साथ में बन रही है इधर राइस भी, और इधर चल रही है हमारी फटाफट क्लीनिंग, क्योंकि ये सब भी ज़रूरी है, फटाफट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे बस हम दही को, सॉरी दही नहीं, जो कढ़ी बना है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं अलग से जो दूसरे बर्तन में, बहुत ही मस्त एकदम टेस्ट टेस्टी कढ़ी बना है। मैं तो नहीं खा सकती हूँ, बट मुझे पता है कि मेरे हाथ का कढ़ी बहुत पसंद आता है सभी को। लास्ट में मैं यहाँ पे भर के डाली है 2 चम्मच घी, तो ये कढ़ी बन के हो गया रेडी। तो चलो मैं यहाँ पे पहले सारा जो प्लेटफॉर्म वगैरह है वो कर लेते हैं क्लीन, क्योंकि मेरा है फास्टिंग। अब आती है बारी खमोली कुछ अपने आप को करने का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, नॉर्मली हम कॉफ़ी पीते नहीं हैं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं चाय बहुत पसंद करती हूँ, बट मेरा मन किया कि चलो थोड़ा सा कॉफ़ी बना लेते हैं, वो भी अपने हाथों का एक्सरसाइज करके, अच्छे से मस्त झाग वाली फेंट के कॉफ़ी। तो चलिए यहाँ पे हम कॉफ़ी बना लेते हैं और पीते हैं, आप लोग भी कॉफ़ी पीजिए, इंजॉय कीजिए, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।